हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन टाइम्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला कस्टर्ड केक। इसे बनाना जो है बहुत ही आसान है और ये जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका कस्टर्ड केक कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड केक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी मैदा, आधी कटोरी कस्टर्ड पाउडर, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी शुगर पाउडर, आधा कटोरी घी, घी के प्लेस पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और लगभग आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और उसमें जो है दूध भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें जो है कोई भी बबल्स नहीं रहने चाहिए, हमें इसे जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध को जो है काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मैदा लेंगे और उसके अंदर शुगर पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने कस्टर्ड पाउडर और मिल्क को मिलाया था, हम इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। पेस्ट को हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो घी था, हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने अपना बैटर जो है काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर रख देंगे। अब हम केक को बेक करने के लिए केक मोड़ लेंगे। मेरे पास केक मोड़ नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह का डोंगा यूज़ किया है। आप भी इस तरह का डोंगा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है हम घी डालेंगे और इसे जो है अच्छे से इसमें फैला देंगे। इससे हमारा केक जो है वो ईजीली बाहर निकल आएगा। हमने घी जो है अच्छे से इसमें ग्रीस कर लिया है। अब हम थोड़ा मैदा लेंगे और उसको पूरे बर्तन में जो है स्प्रिंकल कर देंगे। हमने मैदा जो है अच्छे से डस्ट कर दिया है बर्तन में। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। हमने सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इस तरह से इसको करेंगे सो दैट ये जो पेस्ट है हर जगह अच्छे से स्मूथ फैल जाएगा। अब हम हमारा केक बेक करेंगे। इसके लिए आप जो है कोई भी कढ़ाई या कुकर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इडली बर्तन लिया है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो है हम नमक डालेंगे। पूरे बर्तन में नमक अच्छे से फैला देंगे। अब हम इस तरह की कटोरी लेंगे और उसमें भी जो है नमक डाल देंगे और इसको जो है बीचों बीच एकदम ऐसे रख देंगे। अब जो है हम गैस ऑन करके इसको करीब 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं और हमारा कुकर भी जो है प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना केक का बैटर जो है रख देंगे। बर्तन जो है गर्म है इसलिए काफ़ी सावधानी से इसे रखेंगे। केक बैटर जो है हमने इसमें रख दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और करीब 30 से 35 मिनट के लिए इसे पका लेंगे।
हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि हाई फ्लेम पर जो है हमारा केक नीचे से जल सकता है, इसलिए लो या मीडियम के बीच में हमें जो है फ्लेम रखनी है इसकी, और इसे करीब 30 मिनट तक पका लेना है। करीब 35 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा केक जो है पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे देखने में ही लग रहा है कि सेंटर से नहीं पका है, इसलिए हम इसे करीब 5-10 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसे वापस से कर देंगे हम। करीब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम हमारा केक जो है चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि केक के बीच में जो है थोड़ा क्रैक आ गया है, इसका मतलब कि ये जो है अच्छे से पक गया है। और श्योरिटी के लिए हम इसे चेक कर लेंगे। इसके लिए हम कोई भी नाइफ लेंगे और इसे जो है इसके अंदर डालेंगे। अगर आपका नाइफ क्लीन आता है इट मींस कि आपका केक जो है वो अच्छे से पक चुका है। अगर इस पे लिक्विड कुछ पेस्ट लगा हुआ हो इट मींस केक जो है नहीं पका है। और हमेशा इसे सेंटर से ही चेक करें क्योंकि सेंटर में जो है सबसे लास्ट में पकता है केक। तो अभी हमारा केक एकदम रेडी है और आप देख सकते हैं कि साइड से भी जो है ये अलग है, इट मींस कि जो है ये इजीली निकल जाएगा केक बाहर। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर जो हमारा बर्तन है इसको बाहर निकाल लेंगे। इसे हमने बर्तन से बाहर निकाल लिया है, अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो मेरा जो केक है वो ऑलरेडी साइड से जो है काफ़ी साइड अलग हो रखा है, इट मींस ये जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर आपका जो है केक चिपका हुआ हो बर्तन में तो इस तरह से कोई नाइफ लें और उसकी को जो है साइड से इस तरह से कर दें। इससे क्या होगा कि साइडों से जो है केक लूज हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम कोई प्लेट लेंगे और उसे जो है इस बर्तन पे रखेंगे और फिर इसको जो है पलट देंगे। अब नीचे से थोड़ा इस तरह से कर देंगे सो दैट निकल जाए केक। और ये हमारा केक जो है निकल गया है, एकदम रेडी है। ये जो है काफ़ी गर्म है इसलिए अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ये जो चॉकलेट सॉस है हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। इसे पूरे में फैला देंगे। और इस टाइप से जो है ड्रॉप करेंगे। इस तरह से जो है इसको ड्रॉप करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो है केक को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे सो दैट ये जो चॉकलेट है वो अच्छे से जम जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है वो एकदम रेडी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में।